जेल में बंद गुरमीत राम रहीम को बड़ा झटका लगा है। अब उसके खिलाफ 9 साल पुरानी फाइल खुल गई है। 2015 के बेअदबी मामलों में राम रहीम के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर पंजाब सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने मंगलवार को बेअदबी से जुड़े 3 मामलों में केस चलाने की इजाजत दे दी। इससे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बेअदबी मामलों में 4 दिन पहले ही स्टे हटाया था। दरअसल जून और अक्टूबर 2015 के बीच पंजाब के जिला फरीदकोट में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की 3 घटनाएं हुई थी। स्थानीय पुलिस स्टेशन में आईपीसी के प्रावधानों के तहत 2 जून 2015 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बताना जरूरी है कि धारा 295A में मुकदमा चलाने के लिए सरकार से मंजूरी लेना जरूरी था। क्या है 9 साल पुराना केस? साल 2015 जुलाई में राम रहीम पर बुर्ज जवाहर सिंह वाला में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बीड़ चोरी होने और कुछ दिनों के पश्चात श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंग फाड़ कर गलियों में फेंकने और अक्टूबर 2015 में बहिबल कला में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंग फाड़े जाने के बाद बरगाड़ी में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के मुकदमे चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी थी। लगभग 2.5 वर्ष पहले पुलिस ने सिरसा डेरा प्रमुख के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने 3 मामलों पर रोक लगा दी थी। पंजाब के फरीदकोट जिले में जून और अक्टूबर 2015 के बीच गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की 3 कथित घटनाएं हुई थी और स्थानीय पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत 2 जून 2015 को पहली प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आइए जानते हैं 3 घटनाओं के बारे में। पहली घटना, बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांव स्थित गुरुद्वारा सिंह साहिब के एक ग्रंथी ने आरोप लगाया था कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ने जमीन पर पड़े हुए मिले थे। बेअदबी की दूसरी घटना कथित तौर पर 24 और 25 सितंबर 2015 को घटी, जिसमें बरगाड़ी में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा प्रबंधित गुरुद्वारे के बाहर पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब और सिख धर्म गुरुओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियों वाले पोस्टर चिपकाए गए थे। इसके बाद फरीदकोट के बाजा खान पुलिस थाने में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। बेअदबी की तीसरी घटना 12 अक्टूबर 2015 को जिले के बरगाड़ी गांव में स्थित गुरुद्वारे के पास पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के 112 फटे हुए पन्नों की बरामदगी से संबंधित थी, जिसके लिए बाजा खाना पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।